वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। जिसके कानों में संख्य की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं। वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, फल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। बहनों और भाइयों, यूपी में 17 के पहले जो यहां पे पंडित रामकुमार गौतम जी कह रहे थे, 17 के पहले वहां अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, 17 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ, बेटी सुरक्षित है, व्यापारी का सम्मान भी है, दिन हो या रात आप चलिए कोई आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि छेड़छाड़ करने वाले को और दंगाई को पता है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो राम नाम सत्य है कि यात्रा से निकलेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हरियाणा से लाखों नौजवान जाते हैं यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा में, याद करिए, एक कांग्रेस की सरकार, इसके सहयोगी दलों की दबाव सरकारें थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा में रोक लगाई थी, और ये कहते थे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए, ये कहते थे कांवड़ यात्रा में संघ नहीं बजना चाहिए, घंटा और घड़ियाल नहीं बजने चाहिए। हमने कहा वो कांवड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा, और यही नहीं होगा उस पे हम कांवड़ भक्तों पर, शिव भक्तों पर पुष्प की वर्षा भी करेंगे, हम करेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगता है, बहनों भाइयों, हमने कहा था जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसको, जिसके कानों में संख्य की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं, यात्रा रोकेंगे नहीं। अगर कहीं के माइक बंद होंगे तो स्थलों के होंगे जहां से चिल्लाहट होती है, आज आप देखते हो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी धर्म स्थल पर माइक नहीं है, उतार दिए गए, सब उतार दिए गए, अब कोई चिल्ला नहीं सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, ये सुरक्षा हो या सुशासन, विकास हो या विरासत,
ये केवल भाजपा कर सकती है, भाजपा कर सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर सकती है।